इस मूवी को देखने से पहले, इसके पहले जिसकी दो तीन मूवी आ चुके हैं उसमें से मैं दो मूवीज ऑलरेडी देख चुका था, या फिर कहूं जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तब मैंने डिसाइड किया था क्यों ना ये मूवी तो मुझे देखनी है, तो इससे पहले इसकी जो पुरानी मूवीज हैं उनको देखा जाए, समझा जाए कि कहानी क्या होने वाली है। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज में जब इन द मैट्रिक्स मूवी का रिव्यू किया था उसमें बताया था, मुझे काफी ज्यादा पजलिंग मूवी लगी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने बीच बीच में से देख रखी थी, कभी उसको स्टार्टिंग से मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो मैंने जब स्टार्टिंग से देखा तो मुझे चीजें समझ में आई और मुझे मूवी काफी ज्यादा पसंद आई। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे मैट्रिक्स रिजरेक्शन मूवी के बारे में, या फिर कहूं मूवी फोर्थ मैट्रिक्स मूवी के बारे में। देखो रिजरेक्शन नहीं है, रिजरेक्शन है, रिजरेक्शन। मैंने नाम यार बार बार उसको प्रोनंशिएट करने की कोशिश की है तब जाके याद हुआ, रिजरेक्शन पुनर्जीवित करना, ठीक है। तो उसका मतलब एक वो कैब भी पता चल रही है, पढ़ भी रहे हम तो साथ ही साथ में, रिव्यू भी हो रहा है पढ़ भी रहे हैं, देखो मल्टी टैलेंटेड चीजें हो रही है यहाँ पे। तो ये जो मूवी है तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास है। अब जब ये मूवी देखने गया तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर इस मूवी को देखने गया था, और जब मूवी देखकर बाहर निकला बहुत सारी निराशाएं लेकर बाहर निकला, मतलब कुछ तो लेकर आया, बहुत सारी निराशाएं हाथ में लेकर आया। अब देखो यार अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो तो एक छोटी सी एडवाइस ये रहेगी कि आप पुरानी वाली मूवीज ऑब्वियसली देख कर जाएं, क्योंकि ये मूवी समझ नहीं आने वाली है, और फर्स्ट मूवी तो इसकी मतलब कंपलसरी है, फर्स्ट मूवी तो आपको देखनी पड़ेगी कि कहानी क्या चलने वाली है। खैर इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूंगा, लेकिन अच्छे से चीजों को समझना है तो पुरानी मूवीज आप देखें बेटर रहेगा, कि कौन नियो है, क्या ये मैट्रिक्स है, मशीन वर्सेस ह्यूमन का क्या पंगा चल रहा है। खैर वो आपको जब पुरानी मूवी देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। जब ये मूवी, अब मैं अपने वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि जब ये मूवी देखने गया जितनी ज़्यादा उम्मीदें थी वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई। थोड़ा बहुत कहानी की चर्चा कर लेते हैं। देखिए जब मूवी स्टार्ट होती है तो एकदम एक्साइटमेंट लेवल मेरा काफ़ी ज़्यादा आसमान पे होता है। मूवी जैसे जैसे स्टार्ट हो रही है एक्साइटमेंट लेवल धीरे 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 एकदम एक टाइम ऐसा आता है वो गड्ढे में चला जाता है, मतलब खोदना पड़ रहा है मुझे गड्ढा, इसको दबो यहाँ पर, एक्साइटमेंट को यहीं दबा के जाऊंगा मैं। तो वैसा हाल हुआ है इस मूवी को देखकर। तो थोड़ा सा अब इस मूवी का इंट्रो की बात कर लेते हैं, मतलब ये इस मूवी है किसके बारे में। देखिए एक ऐसा वर्ल्ड है जहां पर मशीनों ने इंसानों के ऊपर कब्जा कर लिया, फिर मशीनों का ही कब्जा हो गया, और उन्होंने इंसानों को एक डिजिटल दुनिया के अंदर फंसा के रख रखा है, और उसी डिजिटल दुनिया को मैट्रिक्स कहा जा रहा है, वो एक प्रोग्रामिंग पे चल रही है। अब लोगों को तो ऐसा लगता है कि वो रियल लाइफ में जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उस मैट्रिक्स या उस प्रोग्रामिंग के बारे में पता चल जाता है और वो जंग छेड़ देते हैं मशीनों के खिलाफ में। और अब यहां पर जो इंसान यहां पर फंसे हुए हैं, जिंदा कैसे हो रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट देखो यहां मैं नहीं बताने वाला, हर चीज थोड़ा ना एक्सप्लेन करने बैठूंगा, कुछ तो चीजें अपने आप जाकर देख लो ना यार, वो इंटरेस्टिंग है, सुनने में मजा नहीं आएगा, देखने में ज्यादा मजा आएगा। और जब ये जंग स्टार्ट होती है, ये तीन मूवीज में इसी जंग को दिखाया गया है। खैर जब तीनों मूवी खत्म होती है तो एक तरीके से जंग भी खत्म हो गई होती है, लेकिन इस मूवी में फिर से वही जंग फिर से स्टार्ट की गई है, या फिर कहें कि इंसान और मशीन अब फिर से आमने सामने आ गए हैं, कुछ मशीनें जो इंसानों के फेवर में आ गई हैं, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर। लेकिन काफी सारी चीजें जो हैं इस मूवी में पुरानी मूवी से के तरीके की हैं, मतलब फर्स्ट मूवी के जैसे ही हैं। अब वो जरूरत थी क्योंकि इस मूवी में जैसा कॉन्सेप्ट रखा गया है, हाँ ठीक है मानता हूं कि वहां पर कुछ चीजों की जरूरत थी, लेकिन काफी ज्यादा टाइम उन चीजों को देने के कारण वो यार वो बोरियत सी एहसास होने लगता है। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में ये जो मूवी मैं देखने बैठा हूं तो स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा पजलिंग लगी मुझे, हाँ इंटरेस्ट भी आया था शुरुआत में, तो यार अब ये क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हकीकत क्या है, रियल क्या है, मतलब हकीकत रियल तो सही, मतलब हकीकत क्या है और नकलीपन क्या है। तो स्टार्टिंग में तो ये चीजें समझने में मुझे काफी टाइम लग गया था, पर धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है चीजें हमारे सामने और क्लियर होने लग जाती हैं। खैर ये शायद इसलिए क्योंकि मैंने इसका थर्ड पार्ट नहीं देखा था, जिसके कारण मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत शुरुआत में हुई, वो मेरी गलती है क्योंकि मैंने नहीं देखा था। लेकिन जब मूवी आगे बढ़ रही है उस मूवी में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, कहानी प्रिडिक्टेबल लग रही है, कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है, वही ऑलरेडी जो सीन हमने पुरानी मूवीज के देखे हुए थे वही हमारे सामने रिपीट हो रहे हैं, तो जिस करके भैया मूवी के अंदर इंटरेस्ट कम हो रहा है। देखो प्रिडिक्टेबल तो है ही, लेकिन कहानी के अंदर कुछ नयापन नहीं है, ना कोई एक्शन नया हमें देखने को मिलता है। अब ये बोलोगे यार इतनी सारी कमियां आप गिना रहे हो यार, तुम मतलब इस मूवी को पसंद नहीं करते हो। मैं मूवी को पसंद करता हूं, तभी मैंने इस मूवी को देखने से पहले इसकी पुरानी वाली मूवीज देखी है। हाँ एक पार्ट मैंने नहीं देखा क्योंकि सेकंड मूवी को देखते वक्त मतलब इंटरेस्ट कम हो गया था, इसलिए मैं नहीं देखना चाह रहा था, या फिर मेरे पास टाइम नहीं था, जो भी मानना चाहो मान सकते हो। बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है क्योंकि आपके पसंदीदा एक्टर्स में से, पसंदीदा उन कलाकारों में से किसी एक की मूवी होती है और वो मूवी आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा अच्छी जाए, आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर जाते हो और वो मूवी खराब परफॉर्मेंस कर देती है, तो ऑब्वियसली बुरा लगता है। और खैर
वही इस मूवी के साथ हुआ। अब ऐसा नहीं है कि यार सारी की सारी मूवी खराब है यार, तुम तो बुराई करे जा रहे हो। हाँ मूवी इंटरेस्टिंग है, कुछ चीजों पे तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है ये चीजें देखने में। खैर मुझे मूवी का इंटरेस्टिंग तो एक इसलिए देखना था, इंटरेस्टिंग तो इसलिए मुझे लगी क्योंकि 1999 के अंदर 1999 में इसकी फर्स्ट मूवी आई थी, अब 2021 में इसकी फोर्थ मूवी आई है, तो एक टाइम गैप इतना हो गया था। तो टेक्नोलॉजी के लिए ये कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमें देखो उस पुरानी मूवी के साथ भी तो एकदम बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज कर देंगे तो यार पुरानी मूवीज देखने में मजा नहीं आएगा। तो मुझे काबिलियत तारीफ लगी उस चीज को देखकर कि इन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। हमें एक तरीके का रिलेटिव एहसास होता है पुरानी वाली मूवीज के साथ, जो मुझे काफी अच्छा लगा। खैर आप देखोगे शायद आपका नजरिया अलग रहे, लेकिन मुझे इस मामले में काफी अच्छी लगी। और साथ ही साथ जो ट्रेवल करने का जो तरीका था, पहले टेलीफोन बूथ से हुआ करता था, अब इसमें मिरर के थ्रू हो रहा है, वो देखकर मुझे काफी अच्छी चीज लगी। तो कुछ चीजों में तो इंटरेस्टिंग है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4.5 out of 10। वन टाइम आप इसे कंसीडर कर सकते हैं एक तरीके से, पुरानी यादें अगर आप लोगों ने पुरानी मूवीज उस टाइम की देखी हुई है तो शायद आपको ये पसंद आ जाए। मैंने तो अभी अभी देखी है दोनों की दोनों मूवीज, मतलब इसकी तीनों मूवीज में से दो पुरानी मूवीज तो अभी देखी हैं, तो मुझे इतना कोई ज्यादा एहसास नहीं हुआ कि यार बचपन में इस मूवी को देखा था मैंने, ऐसा मुझे कोई याद नहीं आई मुझे। तो आपको शायद याद आ सकती है। खैर अगर आप लोगों ने मूवीज देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। नहीं देखिए तो वन टाइम वॉच कंसीडर कर सकते हैं। और आपके पसंदीदा एक्टर हैं भाई जॉन विक भैया हैं इसके अंदर, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।